Hey everyone! Welcome back to MindSpine tutorials. Our today's topic is behavior of monozygotic twins, which is uh, studied under the topic which we were studying was ethogenetics. And in ethogenetics, the main topic was role of genes and environment in the development of behavior. So today we'll be seeing behavior of monozygotic twins and many other topics concerned to the topic ethogenetics. So let's get started. The first point here is monozygotic twins are derived from single fertilized egg and have.

दो गैमेट्स हैं स्पॉम और ओवम इनका एक फ्यूजन अगर होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं तो इसकी प्रोसेस फ्यूजन की फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मेनली मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दिस प्रोसेस इज़ नोन एज़ फर्टिलाइजेशन मैंने इसको एफ के फॉर्म में लिखा है फर्टिलाइजेशन को अब फर्टिलाइजेशन जब होता है उसके बाद जायगोड फॉर्म होता है जाइगोड जब फॉर्म होता है तो इस जयगोड का अगर सीधे सीधे एक ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हो जाता है तो वो तो नॉर्मली एक सिंगल चाइल्ड की बर्थ है बर्थ है उसको हम ट्विंस नहीं कहेंगे लेकिन अगर मान लो कि एक बर्थ के टाइम पे दो तो अगर बेबीज की बर्थ हो रही है तो वहां पर वो ट्विंस हो जाएंगे लेकिन अब वो ट्विंस दो तरह के हो सकते हैं एक तो या तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो सकते हैं या फिर वो डाइजाइगोटिक ट्विंस हो सकते हैं अब क्वेश्चन है कि भाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है और डाईजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है तो अगर ये जो जाइगोट यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन से फॉर्म हुआ था अगर इस जाइगोट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता क्लीवेज के टाइम पर जब ये डेवलप होता है इसके अंदर ही तो अगर ये जयगॉड दो में डिवाइड हो जाता और ये दो डायकॉड अगर होते और अपने मेनली दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रो करते और ट्विंस फॉर्म करते तो उसको हम मोनोजाइगोर्टिक ट्विंस का नाम देते हैं वहीं जो डाइजाइगोर्टिक ट्विंस होते हैं ये डिफरेंट रहते, रहते हैं इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट रहता है क्योंकि नॉर्मली uh, दो डिफरेंट फर्टिलाइज्ड एग से फॉर्म किए जाते हैं फॉर तो, एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या प्रोसेस होगी तो इसकी प्रोसेस कुछ इस तरह से होगी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल बाय चांस किसी और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा हो सकता है कि दो वहाँ पर कह सकते हैं ओवम प्रेजेंट हो तो मान लीजिए यहाँ पर दो ओवम बाई चांस यहाँ पर डिलीवर्ड है ड्यूरिंग कैन से तो दो ओवम से तो दो इनमें मान लीजिए फ्यूजन हो जाते हैं बाई चांस ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है तो इस वजह से अब जो ऑर्गेनिजम यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं वो सिंगल जयकॉर्ड के डिवीजन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर नॉर्मली दो ही जायकॉट डिफरेंटली फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब ये डाइजाइकोटिक ट्विन्स है और जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट ओवम्स डिफरेंट स्पर्म्स एवरी टाइम प्रेजेंट है और फिर वो डिफरेंट जाइगोर्ड को फॉर्म कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो सेम नहीं होगा और इन्हें हम डाइजाइगोटिक ट्विंस बोल देंगे और वहाँ मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्योंकि एक सिंगल ही जाइगोर्ड था मान लीजिए ये इसी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो वो दो में डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर सेम ओवम सेम स्पर्म था सेम जयगॉर्ड थे जो कि दो में डिवाइड हो रहे थे जिसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा था तो उसका जो न्यूक्लियर जीनोटाइप था वो आइडेंटिकल था दोनों ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों ही

तो हैमर्स के जो कंक्लूजन थे अबाउट रोल ऑफ कंपोजिंग बिहेवियर ऑफ नाम के इन डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर खास ह्यूमन बीइंग के अंदर ही बात की जाए तो सोल्ली पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है स्टडीज ऑफ ट्विंस के ऊपर तो स्टडी ऑफ ट्विंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हमें रोल ऑफ जीन्स को इन डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर को स्टडी करना हो तो अब अगर डायजाइगोटिक दाएग, ट्विंस की डेफिनेशन देखे तो ये होते हैं जेनेटिक मेकअप में क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट हुआ होता है टू जेनेटिक मेकअप में क्यों ऐसा होता है बिकॉज दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम दिस वेरी सेम फर्टिलाइज्ड एग विच डिवाइड्स एंड गिव राइज टू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल एम्ब्रियोस वही जो चीज हमने फ्लो चार्ट में स्टडी करी उसी को हमने यहां पर वर्ड uh, दे दिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो मोनोजाइगोटिक ट्वेंस जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक यूनिक अपॉर्चुनिटी जिससे कि उनकी स्टडी की जाए उनके नेचर की उनके नर्चर की और जिसको हम अपब्रिंगिंग भी कह सकते हैं उनके इंटरेक्शन्स की तो एक तरह से मोनोजाइगोटिक ट्वेंस इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एक डिटेल्ड स्टडी जब की गई दो ट्विंस के ऊपर तो उन्होंने क्या करा कि एक घर में उनकी अपब्रिंगिंग होने के बजाय उन्हें दो डिफरेंट जगहों पर ग्रो करने की आ, के लिए स्टडी किया गया तो डिटेल स्टडी की गई आइडेंटिकल ट्विंस की जिसमें उनको रियर्ड अपार्ट उनको दूर रख कर ग्रो किया गया तो उन्होंने ये पाया कि उनकी जो पर्सनालिटी थी तो उन्होंने ये पाया कि उनकी जो पर्सनालिटी थी टेम्प्रामेंट था लाइकिंग थी सोशल बिहेवियर था उसमें बहुत सिमिलरिटीज़ अभी भी मौजूद थी भले ही उनकी अपब्रिंगिंग हम बात की जाए तो बहुत दूर रहकर की गई है लेकिन फिर भी उनकी ये जो ट्रेड्स थे उनके जो कैरेक्टर्स थे वो कई हद तक सेम थे और जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं अगर उन्हें दूर रख कर उनकी अपब्रिंग की जाए अप अपार्ट तो उसके बाद क्या हुआ फिल्ड आउट इलाबोरेट क्वेश्चन बहुत डिफरेंट तरह के यहां पर क्वेश्चन जो थे वो भर गए यहां पर आकर और उसकी वजह से यहां पर आ, कह सकते हैं हम क्वांटिटेटिव मेजर्स जो होते के वो डेवलप हो गए तो एक तरह से हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हुई जिसने हमें प्रोवाइड कर दिए बहुत सारे क्वान्टिटेटिव मेजर्स पर्सनलिटी ट्रेड्स के जैसे डिग्री ऑफ कॉपरेटिवनेस सोशाबिलिटी एंड सो ऑन अब जो स्कोर्स थे फाइनली जो देखे तो फाइनली जब देखें उन लोगों ने कि अगर इन दोनों को ऑर्गेनिजम्स को इन दोनों ट्विंस को डिफरेंटली अगर ग्रो किया जाए तो जो स्कोर्स निकले उनकी सिमिलैरिटीज़ के वो नियरली सेम थे उनमें बहुत कम डिफरेंसेज देखने को मिले बस थोड़ी बहुत सोशल लाइफ में डिफरेंस देखने को मिला क्योंकि हो सकता है इन्वायरमेंट का भी अफेक्ट हुआ है थोड़ा बहुत वहाँ पर लेकिन ज्यादातर तो जो यहाँ पर किसी चीज का इम्पेक्ट था तो वो थे जीन्स तो इससे सजेस्ट हो गया कि जो जीन्स होते हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते फॉर दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे रोल ऑफ जीन्स एंड इन्वायरमेंट इन द देव, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर तो उसी यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिया था कि जो मोनोजाइकॉटिक ट्वेंस होता है इनका बिहेवियर किस तरह से देखा जाएगा तो यहाँ पर जीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इससे ये कंक्लूजन हमें मिला तो ये कंक्लूजन है यहाँ पर जो हमने देखा नेक्स्ट हम देखते हैं अब जैसा कि आप लोग जानते हैं इथोजेनेटिक्स का पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड था और उसमें जो आज हमने टॉपिक देखा है बिहेवियर ऑफ़ मोनोजागॉटिक ट्विंस जैसा कि यहाँ पर प्रिंट थोड़ा सा ब्लर्ड था तो हमने उसे हैंड रिटन वेज में लिखा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट योर आइज टू बी स्ट्रेन ओवर थिंग्स तो मैंने यहाँ पर उसको करा पर मैं यहाँ पर इसकी सीरीज़ भी आपको शो कर देती हूँ तो यहाँ बिहेवियर ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो इस तरह से थोड़ा सा प्रिंट था जो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन इसको हमने एक हैंड रिटन नोट्स का जो बीच में नोट लिया था उसमें स्टडी कर लिया अब हम आगे देखते हैं को रिलेशन बिटवीन जीनो टाइप एंड बिहेवियर क्या रिलेशन होता है को रिलेशन क्या होता है जीनो टाइप और बिहेवियर के अंदर तो हम इसको स्टडी करना स्टार्ट तो हम यहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं आई नो यहाँ पर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बट वी विद दिस क्वालिटी एंड वे आर इन दिस टुगेदर सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले कोरिलेशन को देखा जाए और जीनो उसका कोरिलेशन देखा जाए अगर और बिहेवियर में तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन के लिए तो ये देखा गया कि अगर टेस्ट करना हो रोल ऑफ जीनोटाइप का बिहेवियर के कंट्रोल करने के अंदर तो जो जेनेटिस जैसे कि साइंटिस्ट uh, होते हैं वैसे उसी तरह से जो जेनेटिसिस्ट होते हैं वो जीन से रिलेटेड स्टडी करते तो उन्होंने क्या करा उन्होंने क्रिएट करे जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स तो जो लेबोरेटरी एनिमल्स होते लैब के एनिमल्स होते हैं उनके लिए uh, उन्होंने जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन बनाए जिसमें उन्होंने क्या करा थ्रू इनब्रीडिंग प्रोसीजर्स ये जो प्रोसेस रहती है जब जिस तरह से इन्हें कुछ भी हाइब्रिड टाइप की चीजें बनानी होती है तो एक तरह से यहाँ पर उन्होंने इन ब्रीडिंग प्रोसीजर करा क्योंकि उनको क्या करना था यूनिफॉर्म पॉपुलेशन बनाना था जो कि जेनेटिकली सेम हो तो अगर जीन सेम होना चाहिए तो उसके लिए इन ब्रीडिंग जरूरी है वहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होगी हाइब्रिड्स पॉसिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर इन ब्रीडिंग प्रोसीजर किए गए तो उन्होंने क्या करा उन्होंने दे वर्कड ऑन टू हाइपोथिस दो तरह की हाइपोथिस पर उन्होंने वर्क करा पहली हाइपोथेसिस और सेकेंड हाइपोथेसिस यहाँ पर स्टेटेड उसको देखते हैं तो पहली हाइपोथेसिस थी कि ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि जितने भी मेंबर्स होते हैं जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन के तो उनके अंदर सिमिलारिटी होती है उनके बिहेवियर में अगर उन्हें रियर किया जाए उन्हें उनकी अपब्रिंगिंग जो है अगर वो सेम इन्वायरमेंट में की जाए तो तो उन्होंने सबसे पहले तो ये देखा अगर जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है ज्यादातर जो भी पॉपुलेशन में मेंबर्स हैं वो कैसे जेनेटिकली सेम है उनके जीनो टाइप सेम है उनके जीन्स सेम है तो उन्होंने ये पाया कि उनके बिहेवियर में सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी अगर आप उनकी रियरिंग सेम इन्वायरमेंट में करते हो और उन्होंने ये भी देखा कि इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट ऐसे एक्सपेक्ट किया कि अगर दो ग्रुप से डिफरेंट स्ट्रेन के अलग अलग स्ट्रेन के स्ट्रेन का मतलब हम जानते हैं ऑलरेडी यहाँ पर अब क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करा था तो जो दो डिफरेंट स्ट्रेन है उनमें अगर देखा जाए तो अगर उन्होंने उन्हें उनको भी एक साथ रेस टुगेदर करा अगर उनकी अपब्रिंगिंग सेम टाइम पे सेम जगह पर सेम इन्वायरमेंट में की जाए भले ही उनका जो स्ट्रेंस है वो डिफरेंट है एग्जैक्टली तो देखा कि जो सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी तो दो ग्रुप जो थे उन्होंने जो उनका बिहेवियर था विल डिफर बिहेवियरली ऑन ऑलमोस्ट एनी टेस्ट तो उन्होंने देखा कि फिर भी उनके जो बिहेवियर थे वो बहुत हद तक डिफरेंट थे उनके स्कोर ज़्यादा सेम नहीं थे इसका रीजन तो ये हुआ कि अगर जीन्स सेम हो गए तो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एक दूसरे से आ, सिमिलर होंगे आइडेंटिकल होंगे तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल देखा कि अगर सेम वाले ऑर्गेनिज्म को रखेंगे तो वो सेम बिहेवियर शो करेंगे लेकिन लेकिन वहीं अगर हम डिफरेंट स्ट्रेन्स को भी एक सेम इन्वायरमेंट में रख दें तो ये नहीं हो जाएगा कि उनका बिहेवियर वहां पर सेम हो जाएगा फिर भी वहां पर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे तो ये जो ऊपर हमने जो हाइपोथिस uh, स्टेट की और टेस्ट की तो उससे ये पाया गया कि उनकी वजह से एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला देन अ थ्योरी कैन बी एस्टेब्लिश एक थ्योरी को एस्टेब्लिश किया जा सकता था जिसका नाम था बिहेवियर इज रेगुलेटेड बाय जीन्स क्योंकि बिहेवियर रेगुलेट होता है जीन्स के थ्रू देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इंडिकेटिंग डायरेक्ट ट ऑफ जीनोटाइप विथ विद एनिमल बिहेवियर क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल चुके हैं जो कि इंडिकेट करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर इन्वॉल्वमेंट जीनो का जो कि एनिमल बिहेवियर से कनेक्टेड होता है नेक्स्ट टॉपिक है जियोटेक्सिस इंट्रोसोफिला पेज में हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है फ्रॉम द नेक्स्ट पेज क्वालिटी विल बी बेटर सो यहाँ पर थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे जो जियोटेक्सिस होता है ड्रोसोफिला उसको समझते हैं uh, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेयरसेक और किमलिंग 1962 की बात थी उन्होंने क्या करा थ्री पॉपुलेशंस को सिलेक्ट करा फ्रूट फ्लाई के और उन्होंने उसकी स्टडी की जियोटेक्सिस बिहेवियर को चेक करने के लिए और उन्होंने ये पाया कि एक लिंक होती है और ये जो दोनों चीज़ें होती है ये लिंक्ड रहती है जेनेटिक मेकअप के साथ और किसी भी इंडिविजुअल को देखा जाए तो उसके जेनेटिक मेकअप के साथ और जो आउट ऑफ थ्री से, इन तीनों के अंदर से जो पहला था वो अनसिलेक्टेडन था, 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 था तो पहला पॉपुलेशन तो पॉजिटिव होता उसको शो करता था सेकेंड पॉपुलेशन जो था वो नेगेटिव जियो को शो करता था वहीं जो थर्ड पॉपुलेशन था वो अनसिलेक्टेड था अनसिलेक्टेड कंट्रोल पॉपुलेशन था ये तीन चीज़ें देखने को मिली टैक्सेस को मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूंगी। टैक्सेस रिफ्लेक्सेस, जो भी पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स होते हैं उनको बहुत जल्द अपलोड करूंगी तो जो थ्री पॉपुलेशन थे ड्रोसोफिला की जब उन्हें क्रॉस किया गया एक तरह के स्पेशल स्टॉक के साथ स्पेशल स्टॉक ऐसा था जिसके अंदर वेरियस क्रोमोजोमल इन्वर्जन्स थे जिसका मतलब है स्ट्रक्चरल म्यूटेशन उनके क्रोमोजोम में पाए जाते हैं इस और मार्कर जीन्स का यूज़ किया गया अब जो मार्कर जीन्स होते हैं वो आ, हमें हेल्प करते जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके थ्री लार्ज क्रोमोजोम्स को और ऐसा देखा गया कि जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो फिनोटाइपिक फीचर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है जिससे कि उनकी प्रेजेंट जीनोटाइप में विजिबल हो पाए अब क्या हुआ कि एक तरह के स्पेशल डिजाइन के थ्रू जो फीमेल्स थी उनको फीमेल्स वर प्रोड्यूस ऐसी फीमेल्स को प्रोड्यूस किया गया जो कि इधर होमोजाइगस थी या फिर हेट्रोजाइगस थी जिनके अंदर जो क्रोमोस, क्रोमोसोम्स थे उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके तो जो थ्री क्रोमोसोम्स थे जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया था मार्कर जीन्स के थ्रू तो उसमें सबसे पहले जो थे क्रोमोजोम नंबर एक्स तो उनके अंदर बार आइस पाई गई तो क्रोमोजोम एक्स के ऊपर क्या हुआ बार आइस पाई गई उसको बी नाम दिया फिर क्रोमोजोम जो टू थे जिन्हें जिनके अंदर कर्ली विंग्स थे उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया गया उसमें सी वाई नाम दिया और जो क्रोमोजोम थर्ड थे उनके अंदर स्टबल ब्रिसल्स थे एस बी नाम दिया गया अब जो टेस्टर्स फीमेल्स थी टेस्टर फीमेल्स को कैरी किया गया दीज मार्कर्स वर मेटेड विद मेल्स फ्रॉम वन ऑफ द स्टॉक्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड इस तरह से उनकी क्रॉसिंग की गई ऑफ दी प्रोजेनी दोज कैरिंग ऑल थ्री मार्कर जीन्स वर यूज इन द सबसिक्वेंट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट अब फिर प्रोजेनि में चेक करा गया कि ये थ्री मार्कर जींस जिन प्रोजेनी में जिनके जिन जयगोड्स जिन जिन में जिन इनकी ऑफ स्प्रिंग्स में प्रेजेंट है तो उनके अंदर जो सब्सिक्वेंट थे उनको सब्सिक्वेंटली यूज किया गया फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आगे उन्हीं को एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया

कैन बी स्टडीड उसको स्टडी किया जा सकता है तो जो दो साइंटिस्ट थे हर्श और किमलिंग 1962 में उन्हें उन्होंने ऐसा पाया कि एक तरह से जो अनसिलेक्टेड पॉपुलेशन होता है क्रोमोजोम एक्स का और उसको कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिव जियोटैक्सिस की तरफ क्रोमोजोम थ्री को कंट्रीब्यूट करते हुए उन्होंने बताया कि ये जो क्रोमोजोम होते हैं क्रोमोजोम थ्री वाले वो नेगेटिव जियोटैक्सिस की तरफ होते हैं वहीं एक जो स्ट्रेन था जो लास्ट uh, वाला स्ट्रेन था उस, उसको सिलेक्ट किया गया तो उसमें उन्होंने पाया कि इनमें नेगेटिव जियोटैक्सिस फिर से पाया गया और जो नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था क्रोमोजोम थ्री का वो इंक्रीज हो रहा है और वाइल्ड द while they were taken together the magnitude of the effect was greater for negative geotaxis this is not surprising because total response to selection is greater for negative geotaxis these results suggest that geotaxis behavior in drosophila melanogaster is controlled by a number of genes which are distributed all of three of the major chromosomes x 2 and 3 तो इससे ये पाया गया कि मेनली उसका जो जेनेटिक बिहेवियर होता है और तौर पे जियोटेक्सिक बिहेवियर होता है वो एक्स क्रोमोसोम सेकेंड क्रोमोसोम और थर्ड क्रोमोसोम पर होता रोवर्स एंड सिटर्स एंड ड्रोसोफिला अब रोवर्स और सिटर्स का हम एक थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट देखेंगे और उसको समझेंगे जो लार्वे होते हैं ड्रोसोफिला मेलोना गेस्टर के उनको रोवर्स का नाम दिया जाता है और ये हाईली एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिवली फीड करते हैं किस पर ईस्ट सेल पर तो ये इंपॉर्टेंट थिंग थी यहाँ पर कि ड्रोसोफिला के जो लार्वे होते हैं उनको रोवर्स का नाम दिया जाता है और हाईली एक्टिव होते हैं फीड करते हैं ईस्ट सेल्स पर ईस्ट का यूज ब्रेड्स और जो भी बेकरी आइटम्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है ईस्ट आप जानते ही होंगे अब जो दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम होते हैं यहाँ पर सिटर्स होते हैं सिटर्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते फीडिंग के दौरान जब वो फीडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते मैरी एट ऑल ने 1982 में क्रॉस किए किएस को जिनके अंदर दो स्ट्रेन थे दो डिफरेंट स्ट्रेन एक रोवर्स वाले और एक सिटर्स वाले इनके जो एडल्ट फॉर्म थे उनको क्रॉस किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो ऑफ स्प्रिंग्स थे एफ एन जनरेशन में उनमें क्या पाया जाता है तो जो इंडिविजुअल्स थे एफ एन जनरेशन में वो सभी रोवर्स निकले और ड्यूरिंग द लार्वल्स फेस लार्वल फेज में वो सब फिर इन लार्वे को डेवलप किया गया एडल्ट के अंदर वो नॉर्मल चीज थी फिर जब वो एडल्ट फॉर्म में बड़े होकर ये जो रॉबर्ट्स वाले लार्वे थे वो बड़े होकर एडल्ट फॉर्म में आ गए तो उनको क्या करा उनको इनब्रेड करा उनकी ब्रीडिंग करवाई गई और फिर देखा कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं एफ टू जनरेशन के वो ऑप्टेन हुए तो जब एफ टू जनरेशन आई तो अब उन्होंने क्या पाया जो रेशियो था रॉबर्ट्स और सिटर्स का वो थ्री रेशियो वन था एफ टू जनरेशन में यानी कि अगर हम बात करें तो एफ वन जनरेशन में पूरे फोर जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स क्योंकि जीनोटाइप इसी तरफ से फॉर्म होता है तो सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे थे वो थे रॉबर्ट्स लेकिन सेकेंड एफ टू जनरेशन में थ्री रेशियो वन देखा गया रॉबर्ट्स थे थ्री और वन था यहाँ पर सिटर तो इस रिजल्ट से ये सजेस्ट हो गया कि जो रोवर्स होते हैं रोवर्स होते हैं वो कैरी करते हैं वन और टू कॉपीज ऑफ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ जीन इफ़ेक्टिंग लार्वल्स फोरेजिंग बिहेवियर तो रॉवर्स एक तरह से यहाँ पर डोमिनेट होते हैं जैसे हमने टॉल और डॉर्फ वाला कंसेप्ट देख रखा है उसी तरह से यहाँ पर रॉवर्स कैसे होते एक तरह के डोमिनेंट जीन वाले होते हैं जो कि लार्वल फोरेजिंग बिहेवियर को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं वेरेज अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सिटर्स होते हैं उनमें दो कॉपीज़ पाई जाती हैं दो कॉपीज दोनों के अंदर बात हुई यहाँ दो कॉपीज पाई जाती है रेसिसि फॉर्म ऑफ दिस जीन की कैसी रेसिसव फॉर्म यानी कि जो थोड़ा सा सप्रेसिव होगा वहीं डोमिनेट बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है तो ये केस दिस इज अ इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू बिहेवियरल टाइप स्टेम्स फ्रॉम अ डिफरेंस इन द इनफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ सिंगल जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम तो ये सेकंड क्रोमोजोम इस तरह के जीन्स पाए जाते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन की हमने बात की अब हम देखेंगे अल्कोहल प्रेफरेंस इन माइस अल्कोहल प्रेफरेंस माइस के अंदर अब क्या होती है अल्कोहल प्रेफरेंस माइस के अंदर तो जो रॉगर्स थे मैकलीन थे 1961 में उन्होंने कंपेयर करे फोर स्ट्रेन्स को चार तरह के स्ट्रेन को ऑफ इन ब्रेड माइस अगर इनब्रेड माइस की बात की जा रही है इसका मतलब एक तरह से वहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग नहीं की गई क्लोज रिलेटिव्स के बीच में ब्रीडिंग हुई थी तो इन ब्रेड माइस और इनके जीनोटाइज इनका जेनेटिक मेकअप कई हद तक सेम होगा तो उन्होंने एल्कोहल प्रेफरेंस के ऊपर इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर स्टडी की थी केप्ट इन द सेम इन्वायॉर्मेंट फॉर जनरेशन एक ही जनरेशन में बहुत सारे टाइम तक बहुत सारे इन्वायरमेंट में एक ही जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया और जो सारे स्ट्रेंथ है यहाँ पर उसको प्रेजेंट किया गया वेसल्स के अंदर कंटेनिंग ईधर प्योर वाटर और अल्कोहल वेराइंग इन स्ट्रेंथ फ्रॉम टू पॉइंट फाइव टू फिफ्टीन परसेंट इस तरह के अल्कोहल को रखा गया अलग अलग वेसल्स में जो कि प्योर वाटर से लेकर अल्कोहल तक थी जिसमें टू पॉइंट फाइव से फिफ्टीन परसेंट तक की अल्कोहल थी और जो डेली कंजम्पशन था उसको मेजर किया गया जो डेटा था वो इंडिकेट करता था कि जो स्ट्रेंथ से हम कह सकते हैं एक्स और वाई से हम नाम दे सकते हैं एक्स स्ट्रेन और वाई स्ट्रेन तो उसने एग्जिबिट किया एक प्रेफरेंस फॉर अल्कोहल को

जब भी किसी माइस को या किसी भी हम ऑर्गेनिज्म को एक, आ, किसी नई सराउंडिंग में किसी नए इन्वायरमेंट में आ, कह सकते हैं अगर उसको वहां पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो वहां पर बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाता है और नर्वस होता है तो उससे ये एविडेंस मिला कि एक तरह का एलिवेटेड रेट होता है यहां पर हम इसको क्लियर करते हैं तो एक तरह का एलिवेटेड रेट होता है डिफोकेशन का डिफिकेशन का और यूरिनेशन का तो यहां पर जब लेबोरेटरी में देखा गया तो एक मतलब डिफरेंट फॉर्म उसको देखने को मिला वहां पर साइंटिस्ट को क्योंकि नॉर्मली

जो स्ट्रेन से एक साथ उनकी जिनकी ब्रीडिंग की गई थी माइस के अंदर उसमें यह पाया गया कि वो वेराय करते सिग्निफिकेंटली इन देयर रिस्पॉन्स टू द ओपन फील्ड सेटिंग तो उन्हें देखा तो वो अलग तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहे थे एक तरह से ओपन फील्ड सेटिंग में जो स्ट्रेन एक्स था वो डिमॉन्स्ट्रेट करता था लो एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी तो जो एक्स वाले थे वो कैसे थे वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे वो एक जगह जाकर बैठ गए उन, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्हें कोई नई जगह डाला वहीं वो थोड़े ज़्यादा इमोशनल थे लेकिन जो वॉइस ट्रेन था वो बहुत ज़्यादा फील्ड पर एक्टिव पाया गया और वो नॉन इमोशनल था तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए इमोशनल और नॉन इमोशनल पता हुआ और कौन ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी कौन नॉन एक्सप्लोरेटरी था किसी एक्सप्लोर करने की इच्छा हो रही थी कि हम देखें यहाँ क्या चीज़ें क्या नहीं है और नॉन एक्सप्लोरेटरी ऐसे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें नए में डाल दिया वो वहीं पर नॉर्मली बैठ गए तो इस तरह की चीज़ें हुई